एकदम एक्सट्रीम लेवल पर मैं इसका वेट टेस्ट करने वाला हूँ। ये देखो गाइस, शायद ये 20 किलो का पत्थर होगा यार। इसको रखते हैं अपने ट्रक के ऊपर। व्हील्स देखो यार, पीछे के पिचक चुके हैं। चल रही है यार। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि इन दोनों की फाइट कराने के लिए। ये है TRX 6 अल्टीमेट हॉलर ट्रक, और गाइस ये है TRX 4 स्पोर्ट्स RC कार। चलो फटाफट से इन दोनों के बीच में कराते हैं फाइट। और भी बहुत सारी कार्स मैं आज लेके आया हूँ इन दोनों के साथ फाइट कराने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये 6 व्हील ड्राइव मार्स डिटेक्टर कार है। ये बहुत अच्छे तरीके से ऑफ रोड में चल सकती है, और इसके अंदर इस तरह के राउंड शेप के व्हील्स मिल जाते हैं। ये सिर्फ ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है। तो आप लोगों ने बोला था कि TRX 6 की एक ट्रक के साथ फाइट कराने के लिए। ये देखो, ये WL टॉयज का ट्रक है, इसके अंदर भी 6 व्हील्स लगे हैं। तो एक और मेरे पास ट्रक है, ये गाइस ये मैक का ट्रक है, और कंप्लीटली मेटल के बिल्ड में आ जाता है। ये ट्रक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि गाइस इसकी जो बॉडी है पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। आज इन सबके बीच में कराने वाला हूँ फाइट, देखते हैं गाइस कौन जीतता है। चलो सबसे पहले मैं आपको ये वाला ट्रक अनबॉक्स करके बता देता हूँ, उसके बाद इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग TRX 6 अल्टीमेट ट्रक के साथ। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। ये WL टॉयज का ट्रक बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। देखो इस बिल्ड क्वालिटी देखते ही बनती है। ये पीछे का जो लोडर है इसका, पूरी तरीके से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, दिखने में एक वीडियो गेम के रिमोट जैसा ही दिखाई देता है। बहुत ही एडवांस क्वालिटी का रिमोट है ये। पीछे की तरफ 4 व्हील्स है और सामने की तरफ 2 व्हील्स दिए गए। दिखने में पूरा का पूरा एक रियल ट्रक जैसा ही ये दिखाई देता है। अब मार्स डिटेक्टिंग कार को अनबॉक्स करते हैं, या फिर आप इसे एक मार्स रोवर भी बोल सकते हो। इसके अंदर इस तरह के वाटर बुलेट्स मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कैनन भी दिया गया है। तो कैनन के अंदर वाटर बुलेट्स डालने पर ये फटाफट तरीके से शूट भी कर सकता है। ये यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा। देखो गाइस, इसके अंदर भी 6 व्हील्स लगे हैं और दिखने में काफी ज्यादा सॉलिड ये नजर आ रही है। पीछे की तरफ यहाँ पे एक गेट भी है, गेट को हम लोग इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं। तो अब कंपैरिजन करते हैं TRX 6 वर्सेस TRX स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों को मैंने साइड बाय साइड लगा लिया है। यहाँ पे देखो गाइस, दोनों के अंदर जो लेंथ का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है भाई। ये जो ट्रक है TRX 4 से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। देखो TRX 4 को जो है मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से रख भी सकता हूँ। आप सोचो गाइस, TRX 6 कितनी ज्यादा बड़ी ट्रक है। इसकी सबसे खास चीज है ये इसका विंच। इसको हम लोग कम्प्लीटली ये रिमोट से चला सकते हैं। ट्रैक्सेस का ऑफिशियल रिमोट है गाइस। यहाँ पे देखो एक छोटा सा हुक दिया गया है, अगर मान लो कोई चीज फंस जाती है चेड़ में या फिर कहीं पे फंस जाती है, तो इससे हम लोग उसको निकाल सकते हैं या फिर इसके ऊपर उसको लोड भी कर सकते हैं। तो एक बार इसके विंच को मैं आपको चला के बता देता हूँ। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से घूम रहा है। इसके विंच को मैं इसे बाहर खींच सकता हूँ। इसकी लोड खींचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है गाइस। अब देख लो, ये बटन अगर मैं प्रेस करूंगा तो इसका जो विंच है अंदर की तरफ चला जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। ये देखो गाइस, क्या चीज बनाई है यार ट्रैक्सेस वालों ने। ये अलग से भी हम लोग खरीद सकते हैं गाइस। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से निकाल के इसके ऊपर सामने की तरफ फिट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिट करने के लिए एक अलग सा सिस्टम दिया गया है। और ये मैक ट्रक को मैं TRX 6 के साथ कंपेयर करके बताऊँ तो देख लो गाइस, बहुत ज्यादा छोटी लग रही है ये इसके सामने। ये भी इसके सामने देखो कितनी छोटी लग रही है। सभी चीजों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब कराते हैं फाइट, देखते हैं गाइस ट्रैक्सेस के ट्रक को आज कौन हरा पाता है। लेट्स गो। तो ये ट्रक का विंच 10 केजी तक का वेट खींच सकता है, ऐसा लिखा है। तो अभी इसके विंच को टेस्ट करने वाला हूँ गाइस। मैं देखते हैं क्या ये जो विंच है ये अपने मैक ट्रक को ऊपर खींच के चढ़ा पाता है या नहीं। तो विंच को मैं पहले निकाल लेता हूँ बाहर। अब इसके हुक को लगाते हैं यहाँ पे, ये लगा दिया मैंने। अब देखते हैं इसके विंच में कितना दम है। ओ भाई, खींच रही है गाइस ये तो। अभी इसको पूरी पावर लगानी पड़ रही है। ये देख लो गाइस, आराम से खींच के लेके जा रही है। ओ हो, ओके ओके ओके। ओ भाई साहब, देखो गाइस ट्रक चढ़ चुका है पूरा ऊपर। देखते हैं गाइस, इतने भारी भरकम ट्रक को लेकर ये ऑफ रोड चल पाती है या नहीं। साथ में देखेंगे क्या ये क्लाइम भी कर पाती है या नहीं। ओ भाई, आराम से चढ़ गया यार। ओह, ये एक तरफ झुक चुका है, ऊपर तो बहुत इजीली चढ़ गया। अब इसको नीचे उतारते हैं। ओके, ओहो, धीरे धीरे करके उतारूंगा गाइस मैं। देखो आराम से उतर गया। यहाँ पे देखो यार, इसका व्हील पूरा का पूरा पिचक चुका है, बहुत ज्यादा लोड है इसके ऊपर अभी। ओ भाई साहब, मजा आ गया यार।
अब देखते हैं मैक ट्रक कितना वेट लेकर चल सकता है। इसके ऊपर मैंने TRX 4 स्पोर्ट को रख दिया है। पीछे के व्हील ठीक ठाक है, काफी मजबूत लग रहा है इसका एक्सल। सामने की तरफ ये क्या हो गया यार, सामने का एक्सल पूरा का पूरा टेढ़ा हो चुका है। ये थोड़ा सा लेफ्ट को चल रहा है ट्रक। एक काम करते हैं गाइस, मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा वेट लेकर ये चल पाएगा। एक बार मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब, पूरा टेढ़ा हो गया यार ये तो। और देखो ओवरहीट होने के कारण ये ट्रक चल भी नहीं रहा है अभी। अब देखते हैं इसका वेट क्या खींच पाती है यानी अपनी ट्रक। देखो हुक में लगा दिया मैंने इसको। ओ भाई देखो यार, ये इसको भी ऊपर चढ़ा रही है। आराम से चढ़ाते हैं गाइस, कहीं ये फिसल के नीचे ना गिर जाए। ओ भाई मान गए यार इसके विंच को, इतना ज्यादा पावरफुल होगा इसका विंच, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओ हो गाइस देखो, इसने तो इसके व्हील्स को पिचका दिया है। मैं थोड़ा सा लूज कर देता हूँ इसको। ओके TRX 4 को इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। इसके साथ ओ रिंग्स मिलते हैं, ओ रिंग्स मैंने इसको लगा दिया है। अब ये पूरी तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ऑफ रोड में चला के देखते हैं और क्लाइंब भी कराएंगे। देखो गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिट्टी का पहाड़ है, इसके ऊपर इतना वेट लेकर ये चढ़ पाता है या नहीं देखते। ओ भाई साहब काफी आराम से चढ़ गया यार, अभी नीचे उतार दे। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था यार ये इतना ज्यादा वेट लेकर चलेगा, क्योंकि मैक ट्रक की तो हालत खराब हो गई थी। अब TRX 4 स्पोर्ट्स को टेस्ट करते हैं गाइस, देखते ये कितना ज्यादा वेट लेके जा सकता है। इसके ऊपर मैंने रख दिया है एकदम भारी वर्कम ट्रैक्सर्स का ट्रक। देखते हैं गाइस ये चलता है या फिर रुक जाता है। बहुत आराम से चल रहा है यार, वो भी ऑफ रोड में। देखो एकदम ऊबड़ खाबड़ जमीन है यहाँ पर। ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा गड्ढा आ चुका था, यहाँ से भी ये निकल चुका है। अब क्लाइंब करा के देखते हैं गाइस ये ऊपर चढ़ पाता है या नहीं। यार ये ट्रक कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया और कुछ ज्यादा ही भारी वर्कम होने के कारण देखो अपना TRX 4 सामने की तरफ से उठ चुका है और धड़ाम से दोनों नीचे गिर गए हैं। एकदम एक्सट्रीम लेवल पर मैं इसका वेट टेस्ट करने वाला हूँ। ये देखो गाइस, शायद ये 20 किलो का पत्थर होगा यार। इसको रखते हैं अपने ट्रक के ऊपर, देखते हैं गाइस ये वेट उठाता है या नहीं। ओ भाई व्हील्स देखो यार, पीछे के पिचक चुके हैं। थोड़ा सा मैं इस तरफ रख देता हूँ। ओके अब चला के देखते हैं गाइस। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, व्हील्स देखो चल रही है यार। मगर इसकी स्पीड जो है बहुत कम हो चुकी है अभी। अब देखो इसके व्हील्स कैसे ऊपर हो जाते हैं, ये देखो गाइस। ये फेंक देते हैं यार इसको। अब वेट कैपेसिटी टेस्ट करते हैं WL टॉयज के डंपर ट्रक की। इसके ऊपर मैंने एक पत्थर रख दिया है, इसका वेट लगभग 10-12 केजी होगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गाइस ये वेट लेकर भी चलेगा यार, क्योंकि ये ट्रैक्टर्स के मुकाबले में बहुत ही सस्ता सा ट्रक है। शायद मैंने इसको 12-13 हजार रुपए में खरीदा था 1-1.5 साल पहले। पर गाइस इसकी वेट उठाने की कैपेसिटी देखकर मैं खुद हैरान रह गया यार, बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं ये डंपर ट्रक जीतता है या फिर TRX 4 जीतता है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो TRX 4 स्पोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है डंपर ट्रक के मुकाबले में। इसने तो यार चुटकी बजाते ही डंपर ट्रक को पीछे ढकेल के रख दिया था। मेरे को लगा था कि डंपर ट्रक इसको आराम से रुका के रखेगा, पर TRX 4 स्पोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है डंपर ट्रक के मुकाबले में। अब देखते हैं TRX 4 के सामने मैक ट्रक टिक पाता है या नहीं। मैक ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है पूरी पावर लगाकर इसको रोकने के लिए, पर TRX 4 स्पोर्ट ने इसको भी यहाँ पे हरा दिया है पुशबैक में। इसकी पावर देखकर मैं शॉक हो चुका हूँ। अब इन दोनों के बीच में कराते हैं पुशबैक। यहाँ पे मार्स रोवर का डिजाइन बहुत ज्यादा अलग होने के कारण देखो यार, TRX 4 जैसे इससे टकराया है मार्स रोवर ने इसको उठा के पटक दिया है साइड में। ठीक है अब तको 4 कराते हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे TRX 4 स्पोर्ट ने भाई काफी आसानी से इसको खींच लिया है अपनी तरफ। बहुत ज्यादा पावर है TRX 4 स्पोर्ट्स के अंदर, क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे मार्स रोवर मशीन पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर फिर भी TRX 4 ने इसको हरा दिया है तको 4 में। अब होगी एकदम खतरनाक वाली फाइट ये दोनों ट्रैक्टर्स के बीच में, देखते हैं जिन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे दोनों पूरी पावर लगाकर एक दूसरे को पीछे ढकेल रहे हैं। अब धीरे धीरे करके ट्रक TRX 4 के ऊपर भारी पड़ता हुआ मेरे को लग रहा है। देखो गाइस अब TRX 4 धीरे धीरे करके पीछे हटने लगा है। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रक ने इसको पटक दिया है उठा के साइड में। सच में गाइस ये ट्रक इससे भी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है पुशबैक में तो ट्रक जीत गया था, अब कराते हैं टगो 4, देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन जीतता है। TRX 4 यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है ट्रक को रोकने के लिए, पर ट्रक के अंदर लगे हैं 6 व्हील, इसीलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रैक्शन मिल रहा है। ओ माय गॉड ये तो इसको खींच के लेके जा रहा है, पर TRX 4 पूरी कोशिश कर रहा है इसको रोकने के लिए। देखो खींचते ये तो पानी में घुस चुके हैं दोनों के दोनों, पर अभी भी ट्रक इसको नहीं छोड़ रहा है गाइस। बहुत इजीली इसने खींच लिया है इसको यार, ये ट्रैक्टर ट्रक बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला।
ओके ये तीनों ट्रक्स को मैंने एक तरफ बांध दिया है और ट्रैक्सेस के ट्रक को दूसरी तरफ बांध दिया है। अब देखते हैं गाइस क्या सिंगल ट्रैक्सेस का ट्रक इन तीनों को इकट्ठा हरा पाता है। यानी यहाँ पे फिलहाल इसको एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगा इनको खींच के लेके जाने के लिए, पर ये ट्रक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ट्रैक्सेस का ट्रक ही है यार, इसके सामने सभी कोई फेल है। देखो गाइस कितनी स्पीड से इन लोगों को घसीट के लेके जा रहा है मिट्टी के अंदर। क्लियरली यहाँ पे भी इन तीनों के ऊपर ट्रैक्सेस का ट्रक भारी पड़ चुका है। ये इसका एक्सल पहले से ही बेंड हो गया था। अब देखो यार ट्रैक्सेस के ट्रक ने तो इसका व्हील ही उखाड़ के फेंक दिया है पूरी तरीके से। अब मेरे को इसको वापस से रिपेयर करना पड़ेगा गाइस। ठीक है गाइस अब इन दोनों के बीच में रेस भी करा के देखते हैं। नो डाउट ट्रैक्सेस ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल है TRX-4 के मुकाबले में। देखते हैं रेस में कौन जीता है। TRX-4 स्पोर्ट आगे निकल गया था। अब जैसे ही मैंने ट्रक के अंदर सेकंड गियर लगाया है, देखो गाइस इसने तो इसको बहुत आसानी से पीछे छोड़ दिया है। ट्रक बहुत ज्यादा स्पीड भी चल रहा है। अब इन दोनों को चलाते चलाते मैं ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ। देखते हैं गाइस ऑफ रोड में कौन सबसे बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे टेरेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। देखो यहाँ पे एकदम गहरा दलदल जैसा कीचड़ है। ओ भाई साहब दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे पानी देखो कितना ज्यादा है, ऑलमोस्ट दोनों ही जो है पानी के अंदर आधे डूब चुके हैं। TRX-4 स्पोर्ट थोड़ा सा हल्का होने के कारण बहुत स्पीड से चल सकता है ऑफ रोड में। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्सेस का ट्रक थोड़ा सा स्लो पड़ चुका है, पर ये भी बहुत बढ़िया तरीके से ऑफ रोड में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर 6 व्हील्स लगे हैं। इस वजह से ये बिल्कुल भी कीचड़ में कहीं पे भी नहीं फंस रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो TRX-4 स्पोर्ट बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। यहाँ पे क्लाइंबिंग भी आ चुकी थी, क्लाइंब भी बहुत अच्छे तरीके से कर चुका है, पर क्लाइंबिंग के मामले में ट्रैक्सेस ट्रक बहुत ज्यादा बेटर मेरे को लग रहा है गाइस। देखो क्लाइंब आते ही भाई 6 व्हील्स होने के कारण ये बहुत इजीली क्लाइंब कर सकता है। जब मैंने रोड पे रेस लगाई थी तो ये ट्रक जीत चुका था, ऑफ रोड में जब मैंने रेस लगाई थी तो गाइस ये TRX-4 स्पोर्ट बहुत आराम से जीत गया था। क्लियरली यहाँ पे दोनों ही विनर है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या ये मार्स रोवर मशीन TRX ट्रक को रेस में हरा पाती है, यानी क्योंकि दोनों के अंदर ही 6 व्हील्स लगे हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट है। फर्स्ट गियर में तो ये थोड़ा स्लो चल रही थी, सेकंड गियर लगाने के बाद इसने तो बहुत आसानी से मार्स रोवर मशीन को हरा दिया। ये ट्रक जितना पावरफुल है उतना ही फास्ट भी है, और ये ट्रक की कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा बेटर है दूसरे ट्रक्स के मुकाबले में। फर्स्ट गियर में इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है। अब मैं इसके अंदर सेकंड गियर लगाने वाला हूँ। सेकंड गियर लगाते ही यार इसके अंदर अलग ही पावर आने लगती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे आपको TRX-4 स्पोर्ट अच्छा लगा या फिर ट्रैक्सेस ट्रक अच्छा लगा। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है कार्तिक, रवि, आजाद, मिहिर, हरजिंदर, विहान, प्रथमेश, भुवन, उपकार, ऋषभ। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।